नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 10 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों इंडिया करंट अफेयर्स से जितने ही संबंधित पर्सन बन रहे हैं उनकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद अपने देखेंगे जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों ये क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी की पुस्तकों से तैयार किए जाते हैं और उसके बाद जो न्यूज चर्चा में होती है उस पर अपने चर्चा करते हैं। तो ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर समझौता किया है? तो आंसर होगा नीदरलैंड। भारत और नीदरलैंड के बीच चिकित्सा उत्पादों के लिए समझौता हुआ है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। भारत के रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवत खूबा और नीदरलैंड के स्वास्थ्य कल्याण और खेल मंत्री अनस्टन कुइपर्स के बीच एक बैठक के दौरान है जो समझौता हुआ है। यानी आपसे सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछेगा, भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पादन के लिए समझौता किया है? तो आंसर होगा नीदरलैंड। और इस पर भारत के रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवत खूबा और जो नीदरलैंड के स्वास्थ्य और कल्याण व खेल मंत्री हैं अनस्टन, इन दोनों के बीच साथियों एक बैठक हुई थी, तब दोनों ने है जो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत ने कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको 2 नंबर दिला सकता है ये क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर होगा पर्ल सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है उसका परीक्षण किया है। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी ये जो पर्ल मिसाइल है इसका सफल परीक्षण भारत ने किया है, यह सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब आपसे पूछ ले इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर होगा डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसका सफल परीक्षण है जो ओडिशा तट पर किया गया है। अब आपसे पूछे इसका जो सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो आंसर होगा ओडिशा तट पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के दिन का साथियों, आपको आपसे पूछेगा भारत ने हाल ही में कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर होगा पर्ल सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का है जो सफल परीक्षण है। किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है? तो आंसर होगा डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है हितेश कुमार एस मकवाना। हितेश कुमार एस मकवाना को नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? भारत का नया महासर्वेक्षक। ये कौन है? ये तमिलनाडु कैटर के आईएएस अधिकारी हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। कौन है? ये तमिलनाडु कैटर के आईएएस अधिकारी हैं। कौन? हितेश कुमार एस मकवाना। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉट बैलून योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आंसर होगा हरियाणा में। हरियाणा में साथियों मनोहर लाल जी खट्टर जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा 8 नवंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देना। यानी हरियाणा का जो क्षेत्र है थोड़ा कमी क्षेत्रफल है आपको ही पता, और उसके अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना है जो वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर हैं उनके द्वारा शुरू की गई है। हॉट बैलून योजना का संबंध आपसे पूछे किससे रहेगा? तो रहेगा हरियाणा से। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है महिला वर्ग में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन महिला ग्रैंड स्विस 2023 किसने जीता? आपसे पूछा है महिला वर्ग में इंटरनेशनल चेस यानी शतरंज फेडरेशन महिला ग्रैंड स्विस 2023 किसने जीता? तो आंसर होगा आर वैशाली ने जीता। किसने जीता? आर वैशाली ने महिला वर्ग में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन
महिला ग्रैंड स्विस 2023 किसने जीता? आर्य वैशाली ने जीता। वैशाली ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, यानी जो वैशाली जी हैं वो ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में एनटीपीसी आरईएल की प्रथम नवीनीकरण योजना कहाँ शुरू की गई है? हाल ही में एनटीपीसी आरईएल की प्रथम नवीनीकरण योजना कहाँ शुरू की गई है? तो आंसर है गुजरात में। जो आरईएल है साथियों, ये एक एनटीपीसी की ही कंपनी है, उसके द्वारा प्रथम नवीनीकरण योजना कहाँ शुरू की गई है? तो आंसर है गुजरात में। और अब आपसे पूछ ले गुजरात में कहाँ पर की गई है, तो आंसर होगा गुजरात के कच्छ में इसकी शुरुआत की गई है। इसमें 50 मेगावाट क्षमता का उत्पादन किया जाएगा। नवीनीकरण ऊर्जा साथियों वो हो गई जैसे पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा, यानी जिनको लगातार उपयोग किया जा सके और अपने जो पेट्रोल कोयला है उस पर भी जो लगातार अपनी निर्भरता बढ़ती जा रही है उसको कम किया जाए, इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत अमेरिका के किस शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? यानी भारत है जो अमेरिका के किस शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो आंसर है सिएटल। कहाँ पर खोलेगा? सिएटल में खोलेगा। इस फैसले की घोषणा 2016 में पीएम मोदी व तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच हुई संयुक्त वार्ता में की गई थी। यानी जो अमेरिका का शहर है साथियों सिएटल, उसमें जो नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा, इसकी घोषणा 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी व उस समय अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे बराक ओबामा के बीच हुई थी। संयुक्त एक बैठक उसमें यह निर्णय लिया गया था। तो इंपोर्टेंट बन जाता है ऐसा क्वेश्चन साथियों, कई बार है जो सीधा का सीधा पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को प्राप्त हुआ है? आपसे पूछा है कि हाल ही में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा केरल को। अभी 8 टूरिज्म मिशन विजेताओं की घोषणा की गई थी साथियों, जिसमें भारत की ओर से केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन और सोवर एक्सरसन अहमदाबाद को अवार्ड दिया गया था। आपसे पूछे कि हाल ही में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को प्राप्त हुआ है? तो केरल को हुआ है। इसके अलावा जो सोवर एक्सरसन है अहमदाबाद, उसको भी यह अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की है? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय ने। आपसे पूछा है लीप अहेड जो पहल है वो किसने प्रारंभ की है? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय के द्वारा। अब जो ये योजना शुरू की गई है इसमें होगा क्या? तो साथियों इसके अंदर है जो इसका प्रमुख उद्देश्य है, जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय है उसका उद्देश्य है स्टार्टअप को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य रहेगा? स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है हाल ही में मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट है किसने जारी की? तो आंसर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। आपसे पूछा है कि हाल ही में मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट है जो किसके द्वारा जारी की गई? तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनडीपी इसको बोलते हैं। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? यूएनडीपी बोलते हैं। इसका जो मुख्यालय आपसे पूछे कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। इसमें क्या है साथियों, मेकिंग और फ्यूचर यानी भविष्य को देखते हुए एशिया का जो डेवलपमेंट हुआ है किस प्रकार का हुआ है उसको आधार मानकर यह रिपोर्ट है जो जारी की गई है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो साथियों ये थे इंडिया करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे उनकी भी जानकारी साझा की है। अब अपने देखेंगे जनरल साइंस के जो
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको। उनमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंसुलिन की खोज की थी, तो इंसुलिन है इसकी खोज किसने की थी, तो आंसर होगा बेंटिंग ने। किसने की थी? बेंटिंग के द्वारा है जो इंसुलिन की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, तो आंसर है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। आपसे पूछा है जो वनस्पति तेल है उनको घी में परिवर्तित किया जाता है, तो आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? आपसे पूछा है कौन सा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब उसको ऑक्सीजन में जलता है, तो आंसर है सोडियम। कौन सा होगा? सोडियम। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो लेजर किरणें हैं साथियों, उन पर हो रहा है। यानी चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, तो आंसर होगा लेजर किरणों पर हो रहा है। इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस के भी क्वेश्चन साथियों। इस सेशन में साथियों आपको काफी फायदा होता है, 10 या 12 मिनट का सेशन होता है। इसमें आपको करंट अफेयर्स मिल जाता है, जनरल साइंस मिल जाती है, और न्यूज जो महत्वपूर्ण होती है उसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी मैं आपके साथ कम समय में शेयर करता हूँ। आगे है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक है जो घट जाएगा। यानी बर्फ पर अपने दाब बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा? उसका गलनांक है जो घट जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे है जो न्यूज अभी चर्चा में साथियों, निर्मला सीतारमण जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा वापी गुजरात में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का अनावरण किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गुजरात के वापी में ज्ञानधाम स्कूल में एक उत्सव के अवसर पर केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए 12 वस्तुएं एवं सेवा कर सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के प्रतिभागियों को मान्यता दी और पुरस्कृत किया, जो बिक्री और खरीद लेन देन के दौरान बिल बनाने की संस्कृति को बढ़ावा देती है। यानी साथियों इसके अंदर क्या है, आपसे इतना ही याद रखना है कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा वापी गुजरात में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का अनावरण है जो किया गया है। यहाँ से भी अगर प्रश्न बने तो साथियों हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ 10 नवंबर के जो इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो शेयर किए हैं। इसके अलावा जनरल साइंस से भी आपको अपडेट कर दिया, और जो न्यू चर्चा में है जहाँ से प्रश्न बन सकता है उसकी भी जानकारी आपके साथ साझा कर दी। तो ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक व शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद साथियों, लगातार इन्फ्यूजन नोट्स से जुड़े रहिए, आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेगा और जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है वो मिलेगी, और अब जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल सीरीज शुरू कर रखी है वो डेली आपको उसमें वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।